हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो मैं पूरी उर्दू में फिल्म करूंगी। लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप पूरी वीडियो में उर्दू क्यों नहीं यूज़ करती। तो मैं अपनी रियल लाइफ में भी उर्दू इंग्लिश काफ़ी मिक्स करके बोलती हूँ, तो इसलिए मैं रेगुलरली अपनी वीडियोज़ में भी उस तरह से चीज़ों का एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन आप सबको एक उर्दू में वीडियो चाहिए थी, तो आज मैं पूरा ट्यूटोरियल उर्दू में करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोग को जो भी मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो देखना है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। आप लोग सब देख सकते हैं कि मेरी स्किन आज बहुत टेरेबल कंडीशन में है। मुझे पूरी स्किन पे पिंपल्स, स्कार्स, एक्ने बहुत कुछ हुआ हुआ है, क्योंकि अभी मैंने कुछ नई प्रोडक्ट्स यूज़ की थी, तो उसके बाद से मेरी स्किन बहुत रिएक्ट कर रही है हर चीज़ से। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे किस तरह का लुक करना है और क्या करना है। पहले अपनी मैं फाउंडेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आई थिंक कि आज मुझे कैसे लुक क्रिएट करना है। तो फाउंडेशन के लिए मैं सबसे पहले हुदा ब्यूटी की 4 फिल्टर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और इट्स इन द शेड कैश्यू, और उसको मैं मिक्स करूँगी एक लिक्विड हाइलाइटर के साथ ताकि मेरी स्किन ल्यूमिनस लगे। ये थोड़ी सी मेरी स्किन पर ड्राइंग है क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्किन बहुत ड्राई है, और मैं अपनी स्किन को पहले से मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ ज़ेरिन के 24K गोल्ड ऑयल से। फाउंडेशन के साथ मैं ये न्यू आर्टिस्ट कॉस्मेटिक्स के लिक्विड हाइलाइटर्स को मिक्स करूँगी। मैं इसका बिल्कुल जैसे एक ड्रॉप लिया है, और फाउंडेशन का भी मैं बस एक पंप लूँगी, बिकॉज ये फाउंडेशन बहुत फुल कवरेज है और इसकी फिनिश बहुत अच्छी है, ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं एक पंप लूँगी बस। और ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट ब्यूटी ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर के जैसा है और इसकी प्राइस बहुत ही कम है। अगर आप लोग को ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर और इसकी कंपैरिजन वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि आई नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट इट और नॉट। मेरा सबसे फेवरेट वे ब्यूटी ब्लेंडर है अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए। मुझे लगता है हर चीज़ से ज़्यादा सीमलेसली ब्यूटी ब्लेंडर आपकी फाउंडेशन को अप्लाई करता है। और अगर आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट सेव करना है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी सारा आपका फाउंडेशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप ब्रश से अप्लाई करके उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से टैप ऑफ कर लें, तो तब भी आपकी फाउंडेशन बिल्कुल सीमलेस लगती है। एज यू गाइस कैन सी, हुदा ब्यूटी की लिक्विड फाउंडेशन मैट है, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर अपना हाइलाइटर मिक्स किया हुआ है, तो ये कितनी ल्यूमिनस और नेचुरल फिनिश दे रही है। और आपने अपनी नेक को कभी भी नहीं भूलना, जितनी फाउंडेशन आपने अच्छी कवरेज अपने फेस पे दी है, उतनी अच्छी कवरेज आपको अपनी नेक पे भी देनी है। नेक पे अप्लाई करने के लिए मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ईजी होता है अप्लाई करने के लिए। ओके, तो अब कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रोलॉन्ग वेयर कंसीलर, और इसका शेड है NC15। इसको मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे लगाऊंगी और अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी अंडर आइज़ में अप्लाई करूंगी, और उसके बाद फाउंडेशन ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट करूंगी। अब अपनी अंडर आइज़ को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैट वन डी का शेड इन लाइट पैलेट। दिस इज़ माय फेवरेट पैलेट टू अंडर आइज़ को सेट करने के लिए और कॉन्ट्रोल करने के लिए आजकल। तो इसमें से मैं इसका लाइटेस्ट और सेकंड लाइटेस्ट शेड्स दोनों को मिक्स करके अपनी अंडर आइज़ को सेट करती हूँ। और बिफोर सेटिंग मेक श्योर कि आपकी अंडर आइज़ में कोई भी क्रीज नहीं है, ताकि अगर कोई भी क्रीज होगी और अगर आप उसको सेट कर देंगे पाउडर के साथ, तो फिर वो पूरे दिन के लिए क्रीज्ड रह जाएगा। ये अंडर आइज़ को सेट करने के साथ साथ अंडर आइज़ को ब्राइटन भी करता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पे अभी तक लगा हुआ है, मैं उससे थोड़ी सी अपनी चिन, अपनी साइड ऑफ द नोज़ और अपने फोरहेड को सेट करती हूँ, क्योंकि मेरा फेस यूजली यहीं से सबसे ज़्यादा ऑयली होता है। अपनी आईलेट्स के लिए मैं सेम कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ अपनी फिंगर की हेल्प से, और मैं इसको भी पाउडर के साथ सेट कर दूँगी। मैं ये जस्ट ब्रशेस का स्टिपलिंग ब्रश से अपने फेस को सेट करूँगी,
सेम पाउडर मुझे कैट वन डी पैलेट में दोनों को मिक्स करके मैं अपना बाकी फेस भी सेट कर रही हूँ। अगर आप अपना फेस को पाउडर के साथ सेट कर देते हैं तो वो आपके लिए फिर कॉन्टोर, ब्रॉन्ज और ब्लश लगाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है और बहुत स्मूथ एप्लीकेशन होती है। आईब्रोज़ के लिए मैं एनास्टासिया बीवरली हिल्स का डिब्रा पोमेड यूज़ कर रही हूँ, इट्स इन द शेड मीडियम ब्राउन, और इसको मैं एक एंगल ब्रश के साथ अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को अपर ब्रश करूँगी, उसको नीचे से फिल करूँगी और मैं हमेशा बीच में से स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल शुरू में से कभी भी स्टार्ट नहीं करती क्योंकि वो बहुत हार्श लुक देता है। और अब ऊपर से इसको आउटलाइन करने के लिए मैं सारे अपने आईब्रो हेयर को नीचे ब्रश करूँगी और इसको ऊपर से फिल करूँगी। जब ऑलमोस्ट मेरे ब्रश पर से प्रोडक्ट ख़त्म हो चुके हैं उसके बाद मैं इसको आगे से फिल इन करूँगी। ये वाली आईब्रो इज नाउ फिल्ड इन, इसको मैं ऑफ कैमरा फिल इन करती हूँ। सो फॉर माई आईज़ मैं ये मॉर्फी 35B का पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी फॉर माई ट्रांजिशन कलर, और उसके बाद इसको डार्कन अप करने के लिए थोड़ा सा मैं ये वाला कलर को भी इस कलर के साथ ब्लेंड आउट करूँगी। मैं इसको जल्दी से ऑल ओवर माई क्रीज अप्लाई कर रही हूँ, इसको इनर कॉर्नर तक मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं डार्कर शेड इस वाले ब्रश पे लेके अपने आउटर वी पे फोकस कर रही हूँ सिर्फ। सेम पिंक को मैं सेम ब्रश से अपनी अंडर आईज में भी अप्लाई कर रही हूँ। आईलेट के कलर के लिए मैं मैजिक मिनी पैलेट बाय ज्यूविस प्लेस को यूज़ करूँगी और इसमें से मैं शेड यूज़ करूँगी दिस वन फासो। ये बहुत ही प्यारा पर्पल कलर है, उसके अंदर लाइट बेबी पिंक कलर की शिफ्ट है विच लुक्स सो ब्यूटिफुल। आईलाइनर के लिए मैं नोट कॉस्मेटिक्स का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैं अपनी अपर लैश लाइन को लाइन कर लूँगी। फॉर आई लैशेज मैं ले रही हूँ 3D मिंक लैशेज बाय न्यू आर्टिस्ट कॉस्मेटिक्स और इसका स्टाइल है लाइला। मेरा फेवरेट तरीका जो लैशेज अप्लाई करने के लिए, जस्ट प्लेस द लैशेज ना आउटर कॉर्नर स्टिक करें, उसके बाद योर इनर कॉर्नर। कॉन्टोरिंग के लिए मैं कैट वन डी का शेड एंड लाइट पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसका मिडिल शेड दिस ब्राउन। फॉर माय ब्लश मैं स्लीक का पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसका मैं ये पिंक शेड यूज़ करूँगी। और अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं ये लिक्विड हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ न्यू आर्टिस्ट कॉस्मेटिक्स का और इसका शेड है सेलिब्रेट। दिस इज सच अ डिफरेंट हाईलाइटर, मेरे पास अपनी पूरी कलेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली ब्लेंड आउट भी हो जाता है। लिपस्टिक के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन की बुलेट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड इस पर कहीं मैंशन नहीं हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ के लिख दूंगी। This is the final look. I hope आप लोगों को ये पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो please don't forget to like, comment and subscribe to this channel. और अब मैं आप लोगों को मिलूंगी अपनी next video में। Bye.